ग्रेवी बहुत अच्छा बन रहा है, बस थोड़ी ठंडा होगा तो थोड़ी सा ठीक होगा। और क्या बनी मम्मी ग्रेवी, क्या बना है? तेज पात तो चढ़ ही जा रहे हैं ना इस पर, देखो बढ़िया ग्रेवी बना है। गजब, यही है। लो लेग पीस के दर्शन हो गए, एकदम परफेक्ट बना हुआ, एकदम परफेक्ट। गाइस लेग पीस सबसे पहले टेस्ट किया जाए, कट वाले लेग पीस बेहतरीन। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम चिकन स्टू बनाएंगे। चिकन स्टू? हाँ, देखो ये ठंडी में लोग बहुत पसंद करते हैं और टेस्टी तो होता ही है। गर्मा गर्म चिकन स्टू? हाँ, बहुत लोग पसंद करते हैं ना अभी तो। देखो ये एक किलो चिकन है, इसको हम अच्छी तरह खूब साफ सुथरा धो लिए हैं, एक कुकर में रख लेना है। अब देखो इसमें हम एक चम्मच ये जीरा डालेंगे, देखो एक चम्मच जीरा डाल दिए, साबुत जीरा। हाँ, साबुत जीरा है। एक चम्मच ये धनिया है, थोड़ा हाथ पर क्रश कर लिए है, उसको डाल देना है जीरा गया। हाँ, और इसी तरह देखो एक चम्मच, उसी चम्मच से एक चम्मच ये सौंफ है, इसको भी हाथ पर थोड़ी हम रगड़ लिए हैं, उसको डाल देना है। देखो इसी में ये डाल देंगे, ये दो बड़ी इलायची है, एक ये टुकड़ा दालचीनी का है, दो छोटी इलायची है, बड़ी इलायची को थोड़ा सा क्रश कर लेना है हल्का सा। और देखो एक स्टार है, ये पाँच लौंग है, जायत्री है, ये 8-10 ये काली मिर्च है। अब इसमें देखो हम एक गिलास के करीब करीब पानी डाल देंगे, एक गिलास से कम ही डाले हैं हम। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा पूरा भर के नहीं डालना है, एक चम्मच के से थोड़ी कम हम अंदाज से नमक डाल देंगे। अब देखो इसको कुकर बंद करके तेज़ आंच पर एक सीटी लगाना है और उसके मतलब प्रेशर को निकाल देना है। ये नहीं कि सीटी लगा दिए छोड़ दिए कि अपने से उसका प्रेशर निकले। जैसे सीटी लगे प्रेशर पूरा खत्म कर देना। हाँ, नहीं तो ये चिकन गलता बहुत जल्दी है। देखिए ये हो गया है चिकन। अब एक सीटी जब फूल आँच पर लग जाए तो इसको सीटी को उठा के पूरा प्रेशर निकाल देना है, उसी प्रेशर में छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये गल जाएगा। अब देखिए इसको पानी से हम अलग कर लेंगे, इसका जो जूस है उससे हम इसको अलग कर लेंगे चिकन को। मम्मी अच्छा जूस आया, देखो पूरा। हाँ, वो उसमें का जो वो होता है पूरा उतर गया है। हाँ, इसका जो अर्क होता है। हाँ, वो पूरा आ गया है, आ गया है। अब देखो इसको हाँ अलग कर लेंगे, पानी को हम अलग करके कुकर खाली कर लेंगे। ठीक है, पानी अलग रखना है। हाँ, पानी अलग रखना उसका काम है। हाँ, पानी ही तो इसका मेन है। अब देखिए हम बनाते हैं इसको, तो ये उसी कुकर को हम खाली कर लिए हैं, धो लिए हैं। अभी सरसों तेल है, गरम हो गया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। हम लोग का फेवरेट सरसों तेल। हाँ, हम लोग यही किचन में इस्तेमाल होता है। देखिए एक चौथाई चम्मच है जीरा हम ले लिए, ये दो तेज पत्ता है इसको ले लिए, देखिए चार लहसुन हम छील लिए हैं उसको ले लिए। लहसुन बड़ा बड़ा है। हाँ, ये करीब 300-350 ग्राम प्याज है, 6 प्याज था ये मीडियम साइज, उसको हम छील के काट लिए हैं। अब देखिए इतना ये अदरक ही कूटा हुआ है, करीब 1.5 इंच का टुकड़ा था अदरक का, इसको कूट लिए हैं इस, क्योंकि भुनने के बाद इसका स्वाद बिल्कुल अलग आता है, पिसा हुआ का अलग रहता है, इसका अलग होता है ऐसा। हाँ, अब इसको हम भूनेंगे। अब देखिए ये प्याज लहसुन बिल्कुल परफेक्ट भून गया है, इसका भुनाई मेन है, ज़्यादा कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा मतलब कड़क भी नहीं होना चाहिए। और देखिए अब ये दो टमाटर है, हम इसको काट लिए, आँच को बिल्कुल धीमा कर देना है। लाल लाल टमाटर। हाँ, लाल लाल टमाटर गए, अब आँच को बिल्कुल धीमा रखना है, बिल्कुल धीरे। हाँ, अब देखो हम ये करीब ये छोटे चम्मच से दो चम्मच हम भर के ये हल्दी पाउडर डाल दिए, ये धनिया पाउडर डाल दिए। हाँ, हाँ। हम देखो दो चम्मच ये डाल रहे हैं, मिर्ची पाउडर हम डाल रहे हैं, मिर्ची पाउडर भी दो चम्मच। हाँ, दो चम्मच जाएगा। देखो ये थोड़ी इसमें देखो जनरली हल्दी पड़ता नहीं है, लेकिन हम हल्दी डाल रहे हैं क्योंकि हम लोग को आँख को पसंद नहीं आएगा, आदत। हाँ, है ना हल्दी देखने का। ठीक है, डाल तो आधी चम्मच हम ये डाल दिए। अब यहाँ हम आधी चम्मच करीब ये जीरा पाउडर डाल दिए। जीरा पाउडर गया। हाँ, जीरा पाउडर गया। ये अंदाज से स्वाद अनुसार नमक डालना, नमक गया मम्मी। हाँ, एक चम्मच से हम कम ही डाले हैं नमक। अब इसको धीमे धीमे आँच पर हम करीब 2 मिनट तक भुनेंगे। अब देखो ये अच्छी सी खुशबू आने लगी है, आँच को बिल्कुल कम रखना है। यही करीब यहाँ हम देखो कितना पानी डाल रहे हैं है, बिल्कुल बिल्कुल हमको। हाँ, जरा सा पानी, देखिए गिलास में इतना पानी हम डाले हैं, और बस इसको इतना ही वो करना है। ये इसको हमको बंद कर देना है मीडियम आंच पर, दो सीटी तक आने के, इसको मीडियम आंच पर दो सीटी लाएंगे। ठीक है, ये मीडियम आंच पर दो सीटी लगने के बाद हम गैस को बंद कर दिए। अब देखिए इसका प्रेशर भी ख़त्म है, अब हम देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ हम कश्मीरी मिर्च उसी समय डालना था कलर के लिए, लेकिन हम भूल गए थे, तो अभी देखिए हम यहाँ डाल दे रहे हैं। गर्म ही है मम्मी, वो हाँ, तो हो ही जाएगा। हाँ, और थोड़ा सा भूल गए हैं, कोई बात नहीं, तो कलर आ ही जाएगा। अब गैस जल गया है, अब देखिए ये एकदम से गल गया है बढ़िया।
अब थोड़ी सा हल्का सा हमको इसको मिला देना है ताकि इसका प्याज लहसुन सब टूट जाए। देखिए अच्छी तरह मिला दिए हैं, अब कुछ नहीं इसमें करना है। बहुत अच्छा मसाला एकदम, बहुत अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखिए ये जो हम चिकन निकाल के रखे हुए थे इसमें 4-5 हरी मिर्ची डाल दिए हैं थोड़ा सा बीच से काट के ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। इसमें डाल के हमको भूनना है। अब ये 2 मिनट भूनने के बाद देखिए ये फेंटा हुआ दही है, इसको हमको 2-3 चम्मच दही को डाल देना है। स्टू में दही हाँ, तो पड़ता हाँ, ही हाँ स्टू में दही और ये नारियल का बुरादा वगैरह पड़ता है। नारियल का बुरादा हम नहीं डालेंगे क्योंकि अपना टेस्ट तो नहीं है हाँ। तो इससे भी बहुत अच्छा बनेगा। बस इसको हम दही का पानी जल जाए तब तक भूनेंगे हम। देखिए अच्छी तरह भून गया है, तेल देखिए आप देख सकते हैं तेल सेपरेट हो गया है। अभी पानी हम जो ये चिकन सा पानी निकला था ना उसी को हम डाल देंगे। अब यही हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। देखिए 1 चम्मच करीब करीब 1 चम्मच गरम मसाला गया, इसको हम चला लेंगे। लगभग सब तैयार है क्या? हाँ लगभग सब तैयार है। क्या बात? अब देखो इस अब कुकर को कसना नहीं है हाँ। मतलब इसको सेट नहीं करना है, आँच को मीडियम करके और मीडियम लो के बीच में रख के हाँ। इसको ऊपर से रखना है ढक्कन को। देखिए अब ये चिकन बन के तैयार है। तो हम गैस बंद कर दिए थे, आप भी गैस बंद करके करीब 10 मिनट छोड़ दीजिएगा तब जाकर ये बढ़िया से सेट होगा। अब यहाँ हम थोड़ी सा धनिया पत्ती डाल देंगे। अब बन के तैयार है मम्मी चिकन स्टू। हाँ धनिया पत्ती पसंद हो तो जरूर धनिया पत्ती डालिएगा। क्या बात है हाँ। अब जरा चला के भी हाँ, चला के दिखा रहे ना। ओ भाई ग्रेवी कितनी बढ़िया हाँ, बनी मम्मी। ग्रेवी बहुत अच्छा बना है, बस थोड़ी ठंडा होगा तो थोड़ी सा ठीक होगा। और क्या बनी मम्मी ग्रेवी, क्या बनी? अरे तेज पात तो चढ़ ही जा रहे हैं ना इस पर, देखो बढ़िया ग्रेवी बना है। गजब इसका ग्रेवी हम दिखा रहे हैं। गजब एकदम, बस यही है कि थोड़ी ठंडा होगा तो थोड़ी और ठीक होगा हाँ। जैसे जैसे ठंडा होगा हाँ, थोड़ी और अच्छा होगा, और अच्छा होगा है ना। लेकिन मम्मी देख बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा, हर चीज का अलग अलग वो दिख रहा है एकदम परफेक्ट, मतलब गला भी है बढ़िया, और बढ़िया आया है लेग पीस का। मम्मी थोड़ा सा दर्शन हो जाए तो मजा आ जाए। यही है। लो लेग पीस के दर्शन हो गए, एकदम परफेक्ट बना हुआ, एकदम परफेक्ट। देखो एकदम बोन से अलग हो गया, जो मीट है वो बोन से एकदम अलग हो गया, मतलब प्रॉपर पक गया है ये देखो है ना। और टेस्ट तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ही धमाकेदार आने वाला है। तो सब कोई ट्राई करेगा तब तो हमको टेस्ट बताएगा। देखो एकदम ही कलर कितना बढ़िया बन के निकल के आया है, कैसा था दही डालते समय कैसा था और कितना अच्छा आया। देखो इसमें परेशानी क्या है, घर में भी बन सकता है, हॉस्टल में बन सकता है, रूम लेके बच्चे रह रहे हैं वहाँ बन सकता है हाँ। कहीं ना कोई इसमें मिक्सी की जरूरत है, न सिलबट्टे की जरूरत है, कोई चीज की जरूरत नहीं, और एक बर्तन में बन जा रहा है, बन जाएगा। अगर जिसके पास कुकर नहीं है ये चीज तसली में भी बना सकता है, सेम चीज। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी हाँ देखो सारी बातों की एक बात, हाँ एक बात की टेस्टिंग हो जानी हाँ, चाहिए। टेस्टिंग कैसा बना है चिकन स्टू, ऑडियंस को पता चल जाए कि कैसा बना है, कैसा बना है। तो हाँ। चलिए टेस्टिंग करने, टेस्ट करने चलो गाइस, किया जाए टेस्टिंग। मम्मी आपकी मंजूरी है? मंजूरी है तो फिर इसको टेस्ट किया जाए। देखो आज मम्मी एकदम की पॉइंट्स पे टेस्टिंग होगी, सबसे पहले टेस्ट, दूसरा टेक्सचर कैसा है, तीसरा आफ्टर टेस्ट क्या आ रहा है अपन को, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन टेक्सचर देखते हैं, जो कि ग्रेवी का टेक्सचर जो हाथ में क्या लग रहा है। तो हाथ में तो भाई बहुत एकदम मतलब क्रीमी सा लग रहा है, एकदम मटन स्टू बोल रहा हूँ, चिकन स्टू भाई। मटन स्टू की भी रेसिपी है, चैनल पे देख सकते हैं सब लोग। तो यार टेक्सचर तो ग्रेवी का बहुत फाइन ग्रेवी बनी है एकदम, क्योंकि हम लोगों ने कुकर में उसको सीटी लगवा दिया था तो उसके कारण इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है, ठीक। अब इसका मम्मी इसका अपन चेक करते हैं कि गला कैसे, मतलब पका कितना अच्छा है। तो पका तो मैं दिखाना चाहूंगा भाई, एकदम एक एक रेशा पक गया है इसका। अब फाइनली इसकी टेस्टिंग भी की जाए, टेस्ट कैसा है। वाह मम्मी जस्ट वाव है, इतना बढ़िया बना है। नमक, अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये डिफरेंट है बहुत सारी चीजों से। गाइस लेग पीस सबसे पहले टेस्ट किया जाए, कट वाले लेग पीस बेहतरीन। देखो अदरक लहसुन का पेस्ट हो वाला, वाव बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज बताता हूँ मम्मी, बहुत छोटी सी बात है ये, जो अपन ने खड़े मसाले बॉईल किए ना चिकन के साथ भाई, उसका टेस्ट ना आप ऐसे, अपन ऐसे भी डालते हैं बनाते समय, लेकिन उसका जो टेस्ट अलग से आ रहा है, उसका अर्क जो उतरा है ना, क्या टेस्ट दे रहा भाई, क्या टेस्ट दे रहा है। पीस देखो एकदम गल गया और बहुत बेहतरीन टेस्ट आ रहा है उसका। ट्राई तो हम तो यही कहेंगे ना, सब कोई ट्राई करे को कमेंट बताए तो हमको अच्छा लगेगा हमको। और ग्रेवी देखो, ग्रेवी बहुत बढ़िया, एकदम डिफरेंट टेस्ट आएगा भाई, डिफरेंट एकदम। और दही तो अपना किक दे ही रहा है मम्मी, खलास गजब, बहुत बढ़िया बना है मम्मी, मजा ही आ गया।